इंदर मीता मीता इंदर हाय हेलो ये कौन है पता है तुम मिल चुके हो ना प्रोफेसर से उनकी भतीजी है मीता ओह कंग्रेचुलेशंस शॉपिंग जाना है मेरे साथ चलोगे इस वक्त कौन सी शॉपिंग अरे जा ना बुला रही है ना नहीं वो मैं सोने जा रहा था ना तो टी शर्ट उतार के वहां जाके खड़े रहो क्या आई सेड टी शर्ट उतार के वहां जाके खड़े रहो क्यों मैं क्यों उतारूं एक दूंगी जब मैंने उतारी तब तुमने देखा ना अब तुम उतारो मैं देखूंगी वहां मैंने नहला मारा और यहां तुम दहला मार रही हो यही ना इंदर पैंट भी नेवर देख लिया अच्छी तरह देख लो मजा आया ए, ए, क्या कर रही हो हेडलाइट्स क्यों ऑन किए छी बंद कर कैसी लड़की है तू गधी कहीं की बंद कर दिया कि नहीं अरे ऑन मत बचा अरे कहां जा रही है कपड़े तो देती जा अभी दिखाता हूं भाई Congrats, sir. Thank you, Badhai ho, sir. Thank you. Welcome, welcome. After a long time, मुझे बहुत खुशी हो रही है. पहले मेरा student, later on मेरे हाथ के नीचे काम करने वाला. आज मेरे ही ओहदे पर रहकर मुझे receive कर रहा है. और बताइए सर, सुना है कोई research कर रहे हैं आप आजकल? क्यों? उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी तुमसे. आप ex archaeological director हैं. ऊपर से आप पे केस है. ऐसे में अनऑफिशियली मुझे आपकी रिसर्च के बारे में न्यूज मिली है मुझे जवाब देना आपका फर्ज है ये मैं नहीं कह रहा सरकार कहती है तुम्हारी बातों से धमकी की बू आ रही है आ, नो 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 सर दीज आर द डिटेल्स ऑफ विजयनगर डायनेस्टी लेकिन अहम बात यह है कि इस डायनेस्टी के फर्स्ट क्राउन कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में मौजूद है अगर कोई हेल्प चाहिए आई एम हियर ऑलवेज गो अहेड जरूरत पड़ी तो बताऊंगा ओके सर फिर मिलते हैं सी यू It's all in the game, man. But Hi. हाँ बहुत दिनों बाद आपके घर आया हूं अंदर नहीं बुलाएंगे Definitely अंदर नहीं बुलाऊंगा Just kidding. आओ लगता है इन्हें कोई पर्सनल बात करनी है ओके कपिल बैठो पहले जैसा था सब कुछ वैसा ही है या चीयर्स हाँ चीयर्स कैसे आना हुआ क्यों नहीं आ सकता
तुम बिना वजह तो आओगे नहीं। कुछ नहीं सर, मुझे एक बटन मिला। कौन से पीरियड का हो सकता है? इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से ये चोला डायनेस्टी का हो सकता है। लेट मी चेक। या श्योर श्योर। यहाँ क्या कर रहे हो सर? मैंने तुमसे लैब क्लियर करने को कहा था ना सर। क्लियर देखा तो सोचा मेरे लिए कहा। क्या के देखा ऊपर? सॉरी सर। शिट। एक्सक्यूज मी, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। आई एम द एएसआई डायरेक्टर माय फ्रेंड। हो सकता है, फिर भी इस एरिया में तो सिर्फ हमारे प्रोफेसर ही। सो प्लीज इफ यू डोंट माइंड सर, द बुक। ये कैसे हो सकते हैं? किसी मेडिकल प्रॉपर्टी वाले फॉरेन एलिमेंट अगर दुनिया में मौजूद हैं, तो हमें इसकी जानकारी कैसे ना होती? मैं प्रोफेसर महादेव वर्मा को अच्छी तरह जानता हूं। वो बिना वजह कुछ नहीं करते। हम अपनी सत्ता की मदद से ये प्रोजेक्ट टेक ओवर करेंगे। So far he has done nothing wrong. किस बिना पर हम उन्हें कॉर्नर कर सकते हैं? हुकूमत करने वाला चाहे तो वो सही को गलत और गलत को सही कर दे। अभी तक तो उसने उसका विदेशियों से सौदा भी कर लिया होगा। पहले यहां से अपने सारे रिकॉर्ड्स पूरी तरह से खत्म करके कहीं और शिफ्ट करना होगा। He's intelligent. सब कुछ सूंघ कर चला गया। हमने तो रिसर्च लैब शिफ्ट कर दी ना अंकल। जो वहां आया वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम लोग ऑलमोस्ट इस पर 4 साल से रिसर्च कर रहे हो।
कहां तक पहुंचे इसका पता नहीं, ऊपर से पैसा भी खर्च होता जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि I asked for a latte. Hey, यहां पर हम परेशान हैं और तुम क्या कर रहे हो यार? हाँ, जरा भी सीरियसनेस को समझे बिना हंसी मजाक कॉफी ऑर्डर करना, वो भी प्रॉब्लम को समझे बगैर। गाइस, अगर प्रॉब्लम में घुसे रहोगे तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालोगे? हुँ? उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो तो ही वो प्रॉब्लम क्या है पता चलेगा, उसके बाद सलूशन ढूंढ लेना। प्रॉब्लम समझ गए? Yes, a point. Thank you. सर, इसके लिए भी थैंक यू। हम क्या कर रहे हैं तुम्हें कुछ पता भी है? आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिए जाने के बाद मन की शांति के लिए मैं अपने गांव चला गया था। मेरे घर के लोगों ने मेरे दादाजी बद्री नारायण दीक्षित, जिन्हें लोग दीर्घदर्शी और गणित के राजा कहा करते थे, उनकी कुछ कृतियां मुझे दिखाई। उनमें सन 1850 उज्जैन, मैं बद्री नारायण दीक्षित हमेशा की तरह पक्षियों को दाना डालकर प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को अंकित करना मेरी आदत थी। एक दिन वहां अंकित करने का कोई तथ्य नहीं था। इसी उलझन में जब मैं घर में प्रवेश कर रहा था तो वहां मेरी धर्मपत्नी के हाथों से गिरे हुए सिक्कों में से एक सिक्का मुझे विशेषमय दिखा। सदियों पूर्व अंकित गुप्त रचनाओं का अर्थ ज्ञात होने लगा। सूर्यमुखी का सूर्य से अटूट संबंध है। जैसे सूर्यमुखी सदैव सूर्य को नमन करता है, वैसे ही सूर्यमुखी ने पृथ्वी पर सूर्यांश को नमन किया। लगभग 1400 वर्ष पूर्व सूर्य का एक छोटा अंश पृथ्वी पर आकर गिरा, उसमें औषधि सिद्धि है ये अंकित किया गया था। विदेशी आक्रमण के समय कहीं लुप्त न हो जाए इसलिए अत्यंत दूर ले जाकर उसे छुपा दिया गया। वो इस समय कहाँ है मैं खोजने लगा। दिन वर्षों में बदलने लगे और अंततः खोज निकाला। जीने के लिए आहार जरूरी हुआ करता था, लेकिन अब दवा है। सैकड़ों लोग हजारों किस्म की दवा तैयार करके लाखों लोगों को करोड़ों में बेचते हैं। करोड़ों खर्चना कितनों के बस की बात है? अमीर जिंदा रहता है, गरीब मर मिटता है। उनकी लिखी बात अगर सही निकली तो लोग लगभग 400 साल तक रोग मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। 400 साल तक रोग मुक्त जिएंगे तो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी अंतरात्मा जो चाहेगी बिल्कुल वही होगा। ये हो सकता है या नहीं ये डाउट मुझे होने लगा है। शायद यही डाउट बद्री नारायण जी को भी हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने ये राज कहीं लिखा होगा ताकि वो उनके साथ दफन ना हो जाए। क्या 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 कहा आपने? अभी आपने क्या कहा? हाँ वही डाउट। नहीं नहीं, बद्री नारायण जी की बात। हाँ, ये राज उनके साथ दफन ना हो जाए इसलिए शायद कहीं लिख छोड़ा होगा। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी बात नहीं है। हाँ? उनके साथ ही दफन ना हो जाए, दैट्स द कीवर्ड।